हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उखी मठ। तो अभी हम हैं उखी मठ में, हमारी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का ये दूसरा दिन है। तो अभी हमें उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, तो यहाँ की अब जानकारी आपको जोशी जी देंगे वहाँ की। हेलो फ्रेंड्स, ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बाबा केदार की डोली शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए आती है। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और वहाँ जा पाना संभव नहीं है, इसलिए बाबा की डोली शीतकाल के लिए यहाँ और फिर ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ चली जाती है। तो फिर भक्त लोग यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो केदारनाथ में जब कपाट बंद हो जाते तो बाबा की डोली यहीं आती है, तो यहीं आप दर्शन कर सकते हैं जब वहाँ बर्फ़ होती है तो। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं आप उखी मठ से। तो हमारा अगला हम अगली जगह आप जहां जाने वाले हैं वो है तुंगनाथ शिव मंदिर, जो कि जहां की हमें थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा 3 किलोमीटर के आसपास, तो वहां हम जाने वाले हैं। तो अभी हम 20 किलोमीटर और है, चोपता जाना पड़ेगा पहले। चोपता 20 किलोमीटर यहाँ से लगभग है, तो उसके बाद हम तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं तुंगनाथ। जोशी कह रहे कि इसके बाद चंद्रशिला भी हम जा सकते हैं। और यहाँ की जो रोड है ना, बिल्कुल रोड तो अच्छी है लेकिन बहुत ऐसा है, पहाड़ है नीचे बहुत बड़ा तो बहुत सावधानी से यहाँ गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो हम पहुंच गए हैं अभी चोपता। तो यहाँ से जो तुंगनाथ जी के लिए है वो पैदल ट्रैक है, तो बहुत ही शानदार लोकेशन यहाँ पर है देखिए। और गाड़ी हमने खड़ी कर दी है वहाँ, और ये हमारे दोनों दोस्त चले हुए हैं, जोशी जी और समीर भाई। यहाँ से है पैदल गेट, पैदल रास्ता ट्रैकिंग का। समीर भाई बड़े जोश में चलते हुए, जोशी थोड़ा पीछे रह गए। सो हो चुका है हमारा ट्रैक स्टार्ट तुंगनाथ का। यहाँ से आप घोड़े भी ले सकते हैं, घोड़े भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं अगर आप नहीं जा पाएंगे तो। क्या शानदार व्यू है यहाँ पर, मौसम भी उतना सुहावना। मौसम ख़राब है, ठंडा बहुत है लेकिन ठंडा लग नहीं रहा, गर्मी लग रही। जोशी और समीर भाई थोड़ा यहाँ थकते हुए कह रहे हैं थोड़ा आराम से रेस्ट करके चलते हैं, उसके बाद चलते हैं। आप इधर की लोकेशन देखिए, पूरा यहाँ पर बिल्कुल एकदम ग्रीनरी। लोग कुछ शॉर्ट के रास्ते भी आ रहे हैं, पता नहीं शॉर्ट भी होगा यहाँ से, कुछ शॉर्ट रास्ता भी होगा। ये हमारे अग्रवाल जी और जोशी जी आते हुए, थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा कोई बात नहीं, हर हर महादेव बोलो जब चल जाए। आधे घंटे से रुकाओ यार, मैं तुम आ नहीं पा। समीर बाबू कह रहे अभी वहाँ जाना है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ से मंदिर उंदिर। जैसे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। एक बार फिर तुंगनाथ के ट्रैक में, अभी थोड़ा और बचा है तुंगनाथ ऐसा बता रहे हैं ऊपर से आने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर में 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद। थोड़ा सा थकान है लेकिन कोई बात नहीं, भोले बाबा के दर्शन के लिए
ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऊपर है तुंगनाथ जी का मंदिर। हर हर महादेव। ओहो, बच गया बच गया। खाने को ले जाओ, पर मोबाइल वो है ना, मोबाइल वाले लेके फेंक देगा वो। क्या खाने का चीज नहीं है उसमें, जाओ। क्या मालूम, उसको बैग दिखा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।